सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह सोच विचार कर सकता है, अपनी सोच को दूसरे के सामने रख सकता है। आदि मानव ने अपने मन में उठने वाले भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि चिन्हों और संकेतों का प्रयोग किया। धीरे धीरे इन्हीं ध्वनियों को व्यवस्थित किया गया और ये शब्द का प्रतीक बनते गए। संकेतों का स्थान शब्दों ने ले लिया। आज हम इन्हीं शब्दों को इस भाषा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और शब्दों को आगे परिपक्व कर रहे हैं। आज के सभ्य मनुष्य समाज का कार्य व्यवहार भाषा के बिना संभव नहीं है। पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, लेकिन वे उसे समझ नहीं सकते। केवल मनुष्य ही है जो विविध रूपों में भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। मनुष्य जो है वो अपने भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर अपने भाव और विचार व्यक्त करता है। सुनकर, पढ़कर दूसरों के साथ अपने विचारों को ग्रहण करता है या कहें आदान प्रदान करता है। संकेतों द्वारा भी मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, लेकिन संकेतों की एक सीमा होती है, अतः इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा के केवल दो रूप हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा द्वारा हम केवल मुंह से बोलकर ही अपनी भाषा का आदान प्रदान कर सकते हैं, और दूसरा है लिखित। लिखित भाषा में हम लिखकर अपने भावों विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। लिखित भाषा का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, या हम ये कहें कि उसे हम संभाल कर भी रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास लिखित रूप में है और हम उसको अपने पास संजो कर रख सकते हैं। कभी भी चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी को भी चाहे कभी भी दिखा सकते हैं।